तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कि इको पार्क है, इको पार्क का नाम से जाना जाता है, जो कि चांच एरिया में पड़ता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका सौंदर्यीकरण। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ये बहुत बड़ा फिल्टर प्लांट है, जो कि बहुत जगह पे पानी सप्लाई होता है, जो कि दिखाएंगे आपको, उधर दिखाइएगा, जो कि यहाँ पे एक खदान है, उस खदान से पानी सप्लाई होता है बहुत सारा एरिया में, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे मजदूर लोग है जो कि यहाँ पे पानी सप्लाई करते हैं यहाँ से, और बहुत एरिया में यहाँ पीने का पानी हो या फिर कपड़ा वपड़ा धोने का पानी हो, किसी तरह का पानी यहाँ से सप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे दिखाते हैं पार्क का सौंदर्यीकरण, जो कि देख सकते हैं किस प्रकार पार्क का सौंदर्यीकरण है। यहाँ पे पार्क, इको पार्क बनाया गया है, और यहाँ पे पिकनिक मनाने भी लोग आते हैं, आसपास के लोग और दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। और यहाँ पे बीसीसीएल कर्मी लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो बीसीसीएल का जो मजदूर है, यहाँ पे इंजीनियर जो भी है, फोरमैन यहाँ पे काम करते हैं पानी सप्लाई करने के लिए, और पानी सप्लाई होता है उन्हीं का माध्यम से दूर दूर जगह पे, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे मजदूर सब है। और यहाँ पे बीसीसीएल का नौकरी जो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, कि बीसीसीएल का नौकरी होना मतलब एक भगवान से भेंट हो जाना इस कदर है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मजदूर लोग का कोई काम नहीं है, एकदम आसान काम है। तो इतना इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान मिल सकता है, लेकिन बीसीसीएल का नौकरी में नहीं मिल सकता, क्या कि ऐसा बीसीएल का नौकरी का पे स्केल हाई है, और दूसरा बात की कोई काम नहीं है, बैठा बैठी काम करना है, कोई काम नहीं, देख सकते किस प्रकार है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है यहाँ पे, एकदम आलिशान नौकरी है। खैर, इनका किस्मत की बात है ऐसा नौकरी मिलना, और आगे दिखाते हैं आपको कैसा क्या चीज है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सौंदर्यीकरण जो अशोक का वृक्ष है, जो देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि हम लोग जब सुने थे, जब नया नया हमें कि इको पार्क बनने वाला है, तो बहुत मन में खुशी हुई थी कि इको हमारे क्षेत्र में एक इको पार्क बनने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा पार्क होगा, क्या कि बीसीसीएल द्वारा बनाया जा रहा। बीसीसीएल एक बहुत बड़ा कंपनी है, जो कि सोच सकते हैं कि बीसीएल इतना बड़ा कंपनी है, तो उसका पार्क कितना बड़ा होगा और कितना सौंदर्यीकरण होगा, किस तरह से सजावट होगा। तो इस ऐसा आशा विश्वास हम लोगों ने रखा था मन में, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, उस हिसाब से पार्क नहीं बनाया गया है, उसी वैसा सौंदर्यीकरण नहीं है, क्या कि बीसीएल बहुत बड़ा कंपनी है, उस हिसाब से यहाँ पे सौंदर्यीकरण और पार्क का डिजाइन होना चाहिए, उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन उस तरह का नहीं है। तो बीसीएल का मैनेजमेंट से, जो भी इनका मैनेजमेंट है, सीएमओ है और ऊपर कोयला मंत्रालय है, इसे डिमांड करें कि हमारा क्षेत्र में जो इको पार्क है उसको डेवलपमेंट करने का काम करें। तो इसे डेवलपमेंट से क्या होगा कि यहाँ के आसपास का लोगों का रोजगार भी होगा, और यहाँ दूर दराज से लोग घूमने भी आएंगे, ऐसा काम होगा। तो बीसीएल प्रबंधक है, जो भी उच्च अधिकारी है बीसीएल का, ऐसा इसमें व्यवस्था करे और इसको डेवलपमेंट करने का काम करे। बाकी दोस्तों अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। किस प्रकार यहाँ पे मजदूर लोग ये भी काम करते हैं, पौधा यहाँ पे रखा गया है, जो कि इस पौधे को लगाया जाएगा बारी बारी से, जो कि देख सकते हैं पौधा, कुछ पौधा मर भी गया है, कुछ पौधा जिंदा है। अब किस चीज का पौधा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये पौधा लगाने के लिए लाया गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ पौधा मर के सूख भी गया है, और कुछ पौधा है, और उधर देख सकते हैं बैठने के लिए बनाया गया, सूतने के लिए बनाया गया है मजदूर लोग के लिए, और यहाँ जो भी आते हैं पिकनिक उकनिक बनाने के लिए, उसके लिए बैठने के लिए बनाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं पूरा। और गाछ वृक्ष का तो यहाँ पे कमी नहीं है, गाछ वृक्ष बहुत है, पहले से ही बहुत था गाछ, और कुछ छोटा छोटा पौधा लगाया गया है कि देख सकते हैं, जो कि डिजाइन सुंदरता के लिए, जो कि इसका सुंदरता और भी ज्यादा हो, उसके लिए छोटा छोटा पौधा लगाया गया है, और ज्यादा पौधा लगना चाहिए इससे भी ज्यादा, छोटा छोटा जो पार्क में लगाया जाता है। जय हिंद।